नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बोले, कहां गया वो 56 इंच का सीना। सीमा पर जवानों के साथ हो रही है बर्बरता, इसको लेकर के उठाया सवाल। घटना दुखद है लेकिन शहादत पर है गर्व। बोले, देश हित में बननी चाहिए राष्ट्रीय सुरक्षा नीति। शहीद के परिवार को मिले हर संभव सहायता। शहादत पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाजपा की नीति और नारा, काम की बात छोड़ो तोड़ो भाईचारा। दीपेंद्र हुड्डा बोले, भाजपा से जनता का मोह भंग। जन क्रांतिकारी यात्रा को मिलेगा जबरदस्त रिस्पॉन्स। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लोगों की उम्मीदें बताई। हुड्डा पर मुकदमा बदले की भावना से कार्रवाई। अभय सिंह चौटाला के गोली मारने के बयान पर हुड्डा ने की खूब निंदा। बोले, अभय सिंह चौटाला की भाषा गैर प्रजातांत्रिक है। आप देख रहे हैं शीर्ष से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सोनीपत के जवान नरेंद्र के साथ हुई बर्बरता को लेकर के दुख जताया है। साथ ही नरेंद्र की शहादत को गर्व करते हुए उन्होंने सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना अब कहाँ गायब है। वहीं उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए एक ठोस नीति होनी चाहिए, सुरक्षा नीति बननी चाहिए। राजनीति के मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए कोई बातचीत, क्योंकि ऐसे मुद्दों पर कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला गोली मारने की बात करते हैं और बयान दे रहे हैं जो कि गैर प्रजातांत्रिक है और इसकी वे निंदा करते हैं। वहीं सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सिरसा में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जवान के साथ किस प्रकार की बर्बरता हुई है वह एक दुखद घटना है। ऐसी घड़ी में वे पूरी तरह से कांग्रेस शहीद के परिवार के साथ हैं। जवान के परिवार को हर संभव सहायता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, सीमाओं पर जवानों के साथ ऐसी बर्बरता होना काफ़ी दुखद है। ठोस नीति के अभाव में ही आज इस प्रकार की घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरुद्ध दर्ज हुए मुकदमे के बारे में उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार मजबूत नेताओं पर मुकदमे दर्ज करवा रही है, सीधे सीधे यह बदले की भावना किससे की गई कार्रवाई है। लालू यादव, ममता बनर्जी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट सहित तमाम नेताओं को जिक्र करते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इन नेताओं के खिलाफ की गई एक FIR इस बात का प्रमाण है कि भाजपा सरकार राष्ट्रीय नेताओं पर बदले की भावना से कार्रवाई करवा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का एक ही एजेंडा है और वह जरूरी मुद्दों से आम लोगों का ध्यान भटकाना है। वहीं उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि काम की बात छोड़ो और भाईचारा तोड़ो की नीति के सहारे और नारे के सहारे भाजपा सरकार चल रही है। वहीं उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कहा कि जन क्रांति यात्रा को लोगों का सहयोग मिल रहा है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत है। लोकसभा चुनाव को लेकर के उन्होंने कहा कि यह चुनावी वर्ष है और सरकार इस वर्ष में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ राष्ट्रीय नेतृत्व की दिशा में और दिशा निर्देश पर चल रही है। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। मैं समझता हूँ कि लोकसभा चुनाव ने दस्तक दे दी है और अगले 3-4 महीने में, जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा का चुनाव निर्धारित है। तो अंतिम चरण में इस सरकार की कार्यशैली कैसी रही पूरे देश ने देखी और मैं मानता हूँ हरियाणा प्रदेश में हर वर्ग इस सरकारी कार्यशैली से निराश हुआ है। जिस आशाओं के साथ सरकार बनी थी उस आशाओं पर सरकार पूरी नहीं उतरी, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे वो व्यापारी हो, छोटा व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे वो हमारे दलित भाई हो, हर वर्ग, चाहे नौजवान हो, चाहे खिलाड़ी हो, हर वर्ग इस सरकार की कार्यशैली से कुछ ना कुछ अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और यही कारण है जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जन क्रांति यात्रा कांग्रेस पार्टी की हम लोग लेके चल रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा लोगों का साथ समर्थन मिल रहा है। हरियाणा के कोने कोने में हम लोग जा रहे हैं और हर जगह, जैसे पीछे टोहाना के अंदर बहुत
जो है सात लखता जिला है उसके अंदर बहुत अच्छा जनक्रांति यात्रा को आशीर्वाद मिला लोगों का। उसके बाद महेंद्रगढ़ के अंदर दक्षिण हरियाणा का दक्षिणी छोर राजस्थान से लगता हुआ, और अब पिछले हफ्ते पहेगा कुरुक्षेत्र के अंदर बिल्कुल पंजाब से लगता हुआ जो हमारा कुरुक्षेत्र का इलाका है पहेगा, वहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में हजारों लाखों की तादाद में लोग आए और लोगों ने एक इस बात का संकेत दिया कि भाजपा सरकार के प्रति उनका विश्वास कम हुआ और आशा भरी नज़र से देखिए। मैं समझता हूँ कि शायद मेरे को भी जानकारी मिली है भरत सिंह जी और ने बताया कि कल शायद दलाल साहब भी यहाँ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे तो अपनी बात तो रखेंगे, मगर इस तरह का कि श्रद्धावली की गोली सर पर गोली मारना और प्रजातंत्र में कभी कहीं ना कहीं हमको ये सोचना पड़ेगा कि क्या इस तरह की शब्द इस तरह की भाषा ठीक है। और ये जो है और बात जो मुख्य मुद्दा था जिस मुद्दे पर लेके सारी बहस हुई वो गरीबों को जो बीपीएल कार्ड कटने का मुद्दा, तो बीपीएल कार्ड के कटने के मुद्दे पर गोली चलने तक की बात आ जाएगी सर पर गोली सर। देखिए किसी बात से असहमति हो सकती है, अलग अलग विचार हो सकते हैं, प्रजातंत्र में सबके विचार एक मिले ऐसा संभव नहीं, मगर ये जो है किसी दूसरे के विचार के बारे में ये कहना कि अपना तो ये मैं समझता हूँ इसका स्थान नहीं है, इसके इस बयान की तो हम सहमत नहीं, इसका स्थान इस तरह के बयानों का स्थान प्रजातंत्र में नहीं है। और हमारे सोनीपत के थाना कला गांव के बीएसएफ के हमारे शहीद नरेंद्र दैया के न सिर्फ शहादत दी मगर एक बर्बरता से उनका उनका जो है उनके साथ सलूक किया गया देश के दुश्मन द्वारा। एक तरफ हमें दुख है बहुत और पूरा परिवार तो पूरे देश पूरा उस परिवार के साथ खड़ा है, दूसरी तरफ दुख के साथ साथ हमें गर्व भी है कि हमारे ऐसे बहादुर सैनिक हैं जिन्होंने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। इसका हिसाब लेना चाहिए देश के दुश्मन से, हमारी सेना हमारी सुरक्षा बल इसके लिए सक्षम है, उनको पूरी इजाज़त दी जाए और राजनीति से ऊपर उठ के इन मुद्दों को, मेरा हमेशा से एक स्टैंड रहा है तो हम कभी सत्ता पक्ष में भी रहे थे विपक्ष में हैं आज, मेरा लोकसभा में पिछले 14 साल का एक रिकॉर्ड है इसमें एक स्टैंड रहा है कि इस चीज़ में कभी राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और राजनीति कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज की मतलब 10 साल की बात की, बाद में कश्मीर के हालात बेकाबू हो गए, आज के दिन कश्मीर के हालात बेकाबू, उन्होंने अपनी सरकार बनाई वहाँ पे, उन्होंने सरकार को अपना समर्थन विड्रॉ करना पड़ा क्योंकि सर कश्मीर में हमारा सेना का इतना तिरस्कार हुआ, मगर मैं समझता हूँ कि जो है उस पर राजनीति करने का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए। सब एक होकर देश का सारे राजनीतिक दल एक होकर संदेश दें और सेना के साथ हैं और राष्ट्रीय जो डिफेंस पॉलिसी है हमारी जो है डिफेंस की जो भी रक्षा नीति है वो बिना राजनीति के देश हित पे राजनीति में जहाँ तो कांग्रेस पार्टी की बात है, आज भी अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर अपनी विचारधारा को लेकर कांग्रेस एकजुट है और जल्दी ही पूरी तरीके से आपको कांग्रेस एकजुट आप जो कह रहे हैं मैं उम्मीद करता हूँ आशा करता हूँ कि जल्दी पूरी एकजुटता से कांग्रेस पार्टी मैदान में आपको नजर आएगी।